टिनाइटस समय के साथ क्यों बढ़ जाता है? कम उम्र में टिनाइटस होने के बाद वो धीरे धीरे क्यों बढ़ जाता है? सुनते हैं फीडबैक। यस, नमस्कार चंचल जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैम। मैम, आप टिनाइटिस के लिए फीडबैक दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ताकि लोगों को भी ये अवेयरनेस हो कि ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रबल देने वाली प्रॉब्लम है। तो आप अपनी जर्नी जी मैम, बताइएगा चंचल जी, कब से दिक्कत थी, कैसे आपने इस ट्रीटमेंट को पाया और क्या आपका फीडबैक रहा, मतलब आपको इस प्रॉब्लम से क्या क्या होता था? मैम इस प्रॉब्लम से एक तो ये है मैम, डिप्रेशन तो सबसे पहले तो डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। तो मैं तो मैम बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है तो दुनिया की सबसे बेचारी लड़की मैं ही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया डिप्रेशन। और एक तो ना मुझे ऐसा, मतलब इससे जो मुझे सबसे ज्यादा रहा, मुझे लगता था लोगों की सिंपैथी मुझे मिलती रहे, मैं बात बात पे रोने लगती थी क्योंकि मुझे सुनाई कम देता था ना, इस वजह से मैम लाउड इधर उधर का बहुत ज्यादा हो रहा है ना तो आवाज। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, थोड़ा सा ना इधर उधर का शोर है ना तो वो ज्यादा आ रहा है मुझे। अच्छा, आपने दोनों कानों में ईयरफोन लगा रखा है? नहीं, एक ही कान में? नहीं मैम, एक में। जी ठीक जी, है मैम, मुझे लेफ्ट कान में मतलब टेनाइटिस है, तो मैं लेफ्ट में कभी ईयरफोन नहीं लगाती, कभी लगाती ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको सुनाई कम देता था, अभी आपको कैसा लगता है? क्योंकि थेरेपी के बाद बहुत लोग कहते हैं कि मेरा सुनना भी बेहतर हो गया है, क्लियर सुनाई देना शुरू। जी मैम, जी मैम, इसमें तो इम्प्रूव हुआ है। ओके, तो आपने वहाँ डॉक्टर को दिखाया था, क्या बोलते थे डॉक्टर? मैम वो ये बोलते थे ये कब मतलब ठीक नहीं होने वाली दिक्कत है, ये ठीक नहीं होगी, इसी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। मैम मैंने दिल्ली में भी दिखाया था, अपोलो में दिखाया था। अच्छा, तो उन्होंने भी मना कर दिया था। बरेली में मैम, यूपी बरेली से हूँ, तो वहाँ यहाँ का तो हर डॉक्टर मैंने दिखाया था तो मना कर दिया था। फिर मैम मैंने होम्योपैथिक भी ली थी, फिर योगा में मैंने देखा, योगा में मैंने किया, तो योगा से मुझे लगता था कि कहीं मेरे कान पे पर्दा ना फट जाए, क्योंकि उसमें जिस तरह से ट्रीटमेंट वो लोग बताए थे कि नाक नट बंद करके मुंह में हवा भरना, तो पर्दे का डर लगता था, सही किया। उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर मैम मैंने आपका एक, मैंने बहुत साल पहले, मुझे लगता है 8 साल पहले मैम, मैंने आपका यूट्यूब पे देखा था। फिर मैम लगा, उस समय में मैम थोड़ा सा फाइनेंस दिक्कत थी कि लगा ले नहीं ले, फिर मैं रेगुलर आपका देखती थी, रेगुलर थे। फिर मैम जैसी मेरी शादी हुई, फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, तो मैंने उन्हें बताया आपका, शादी के मतलब 10 दिन बाद ही मैंने बताया मुझे ये दिक्कत है, उन्हें पता था, उन्होंने मुझे तुरंत मैम दिलवा दिया। बहुत मतलब आपको ये प्रॉब्लम कितने समय से है टिनाइटस? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, मुझे तो बहुत सालों से है मैम। 10-15 साल से ज्यादा ही होगा मैम, मैं 9th-10th में रही होंगी तब से ही मुझे दिक्कत रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा होगा, तभी मैम डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई थी। नहीं, अच्छी बात है, मैं आप मतलब आप लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, हमारे इनोवेशन से एक हैप्पीनेस तो दे पा रहे हैं कम से कम, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप अभी जब अभी मैम मैम ने फोन किया, ज्योति मैम ने, कि मैम आप फीडबैक लेंगे, तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा कि मैम फोन करेंगे फीडबैक लेना है, तो बताइए आपको लगता है मुझमें थोड़ा सा भी मतलब इम्प्रूव है? बोले यार मुझे तो लगता है, बाकी अपना देखो। एक्चुअली आपके हस्बैंड तो आपका बिहेवियर ही चेक कर सकते हैं ना, सब्जेक्टिवली तो आप ही इस आवाज़ को फील कर पाओगे, क्योंकि ये आवाज़ ऐसी होती है, जिस दिन शुरू में तेज होती होगी तो अपने आप ही इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, और जब कम होती है तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। जी मैम, तो मैम रात में तो मुझे कोई कुछ भी बोल देता था, मुझे सुनाई नहीं देता था, क्योंकि रात में सब साइलेंट हो जाता है, फिर आवाज और तेज पता चलती थी। दिन में तो शोर कम रहता है, इधर उधर का शोर रहता है, तो कान का शोर कम सुनाई देता है। बिल्कुल सही बात है, वो अंदर ही एक कोहरे की तरह ये सिचुएशन है ना, कोहरे में आसपास की चीजें भी नहीं दिखती, आंखें तो ठीक है फिर भी नहीं दिख रही, इसी तरह कान और ब्रेन के बीच में जब शोर होता है तो जो हम सुनते हैं वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता, तो हमें क्लैरिटी नहीं लगती, कोई बोल रहा है आवाज आ रही है लेकिन क्या बोला समझ ही नहीं आता, ऐसा होता है। जी नहीं, बिल्कुल। तो चंचल आप यंग ही हैं, अभी तो बहुत यंग है, आपके जैसे बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे ये प्रॉब्लम एक 10-11 साल की बच्ची को भी है जो हमसे ट्रीटमेंट ले रही है,
और 90 साल तक की एज के लोगों को है। क्या आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो जिसको होती है वो समझ सकता है या मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमने इन्वेंट किया और इतने हजारों लोगों को देखा है। उनको कुछ मैसेज देना जी चाहते हो कि ये परेशान ना हो, या जो बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है उसके रिलेटेड? मैम, सबसे पहले तो अगर उनको, मैम यही कहना चाहूंगी कि उनको विश्वास करना पड़ेगा पहले तो, कि आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। क्योंकि मैम, जब मैं नई नई आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, लू नहीं लू। फिर मुझे एक महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो मैं ज्योति मैम का ही सर खाती रहती, मैम कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। पर मैम, आपके इधर की फैकल्टीज भी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, जो स्पेशली ज्योति मैम तो बहुत अच्छी है, इतना प्यार से बात करते। मैं एक बार उनसे नाराज भी हुई थी, और वो उन्होंने मुझको गुस्सा नहीं करा, वो बहुत प्यार से बोली, नहीं मैम नहीं मैम करके बोली। तो अगर वो मैम स्पेक्ट्रा पे अगर आते हैं तो एक विश्वास के साथ आए तो वो जरूर सही हो जाएंगे। सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हर दिन जज करते हैं। हम लोग कहते हैं जी एटलीस्ट इसे मैम, 1 महीना काम करने दो, थोड़ा रिजल्ट आने जी दो, क्योंकि मैम, पुरानी समस्या में रिजल्ट आने में या रिजल्ट फील करने में टाइम लगता है। किसी को पहले दिन भी लगता है, किसी को 1 हफ्ते में लगता है, किसी को, लेकिन हाँ अगर दिया है तो रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा, जी जो मैम। आपके केस में है। पर मैम मेरी तो बहुत ही ज्यादा पुरानी, मैम मेरे कान का ऑपरेशन भी हुआ है, मेरे जो मतलब स्टेपिस, जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना, स्टेपिस्टेक्टमी जी हुई मैम, होगी। तो वो निकल गई थी, तो आर्टिफिशियल पड़ी हुई है मेरे हाँ, इसमें, वो हो जाता तो है मुझे उस चीज से भी गया, उसे, तो उसके बाद मेरे को इम्प्रूव हो गया। उसे ना ऑटो स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ऑटो स्क्लेरोसिस हो जाता है जिसमें जी मिडिल जी जी ईयर, बिल्कुल आपको उसके लिए बिल्कुल, सर्जरी की गई होगी, तो वो मिडिल ईयर के लिए हाँ होता है। नहीं ठीक है, देखिए मैं ये थेरेपी तो हर किसी को रिकमेंडेड होती है, बस एक बार ईयर जी डिस्चार्ज मैम, नहीं हो, कान नहीं बहे किसी का, इवन कान बहने के बाद वो ड्राई हो जाता है तो भी ले सकते हैं, बट ये है कि सब लोग सही हो जाएं, सिर्फ एक ही मन की जी इच्छा मैम, है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो बताई हुई बातें हैं वो लोगों तक फील करने में टाइम लगता है, किसी को पहले दिन भी लगता है, किसी को 1 हफ्ते में लगता है, किसी को, लेकिन हाँ अगर दिया है तो रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा, जी जो मैम, आपके केस में है। पर मैम मेरी तो बहुत ही ज्यादा पुरानी, मैम मेरे कान का ऑपरेशन भी हुआ है, मेरे जो मतलब स्टेपिस, जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना, स्टेपिस्टेक्टमी जी हुई मैम, होगी। तो वो निकल गई थी, तो आर्टिफिशियल पड़ी हुई है मेरे हाँ इसमें, तो वो हो जाता है, मुझे उस चीज से भी गया, तो उसके बाद मेरे को इम्प्रूव हो गया। उसे ना ऑटो स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ऑटो स्क्लेरोसिस हो जाता है जिसमें जी जी मिडिल जी ईयर, बिल्कुल आपको उसके लिए बिल्कुल, सर्जरी की गई होगी, तो वो मिडिल ईयर के लिए हाँ होता है। नहीं ठीक है, देखिए ये मैं थेरेपी तो हर किसी को रिकमेंडेड होती है, बस एक बार ईयर जी डिस्चार्ज मैम, नहीं हो, कान नहीं बहे किसी का, इवन कान बहने के बाद वो ड्राई हो जाता है तो भी ले सकते हैं, बट ये है कि सब लोग सही हो जाएं, सिर्फ एक ही मन की जी इच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो बताई हुई बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे, कि लोग इस जी चीज़ से मैम, परेशान ना हो। आप उनको कुछ जी मैसेज दे मैम, दीजिए अगर आप अपना देना चाहते हैं तो। मैम बिल्कुल, वो यहाँ पे आए हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रा पे तो जरूर सही हो जाएंगे वो, बस वही चीज विश्वास के साथ तो आना पड़ेगा मैम उनको, और मैम यहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब मैम इस बीमारी के लिए तो ट्रीटमेंट यहीं पे ही है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने आपकी मैम बहुत वीडियो देखी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैं सभी वीडियो देखी, तो एक मैम दुबई से आपसे मंगाई थी, बहुत तो सारे उनका हैं, जो विश्वास था ना, इतना विश्वास था आपके क्लिनिक पे कि मैम मैं क्या बताऊँ, बस उसी पल मैंने सोच लिया बस मुझे लेना है। एक्चुअली हमारे 1200 पेशेंट्स के फीडबैक डाले हुए हैं, हर दिन डलते रहते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ जी लोगों की मदद के लिए डालते हैं, कि क्योंकि डिप्रेशन जी में एटलीस्ट देखकर थोड़ा हिम्मत आती है ना, हम जी वीडियो सुनते हैं मैम, और एक पेशेंट की बात दूसरा पेशेंट जल्दी समझता है, जल्दी समझता है लेकिन मैम बहुत लोग होते हैं सोचते फेक है, गलत है, ये तो अपने बना के डाल रहे, कैसे अपना बना सकता है कोई, जी, जिसको नहीं है वो समझ ही नहीं पाएगा। ये समझ नहीं, ये तो यही बात मैम, पर अगर वो यहाँ पे अगर आएगा, कहीं मैम इसका ट्रीटमेंट नहीं है, पर आपके क्लिनिक में तो मुझे लगता है बस यही एक है कि हो सकता है, क्योंकि थैंक यू सभी चंचल। ने मना कर दिया था मैम नहीं, हाँ दवाइयों में नहीं है, इनफैक्ट डॉक्टर मना कर जी देते हैं, फिर भी कुछ मल्टी विटामिन्स और नर्व सूदर्स देते हैं कि खा के देख लो, अंटिल अनलेस कि कोई जी जी इन्फेक्शियस कंडीशन ना हो, कि इन्फेक्शन है तो चलो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, इवन जी एमआरआई जी रिपोर्ट जी में भी कुछ नहीं आता, तो कुछ सब नहीं कुछ आता नॉर्मल है, आता है। एनीवे चंचल आपका जो ट्रीटमेंट है उसको अभी थोड़ा कंटिन्यू करो, क्योंकि इतने आई जी जी थिंक मैम, आपको 70% कितना आराम है आपको?
मैम मुझे 70 तक तो है, क्योंकि हाँ। मुझे रात में इतना आवाज नहीं पता चलती, कोई बोल रहा है तो वो भी मैं सुन लेती हूँ। मतलब आपको क्लैरिटी भी लग रही है और आपको टिनाइटस भी कम लग रहा जी है। तो अभी थोड़ा सा जी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर के से थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, इतनी पुरानी प्रॉब्लम है। तो जी इसको मैम। यूज़ करना तो बहुत आसान है। क्या आप मुझे अपनी हाँ डिवाइस जी मैम, दिखा सकते हो, आपके पास है? जी सिर्फ मैम बिल्कुल। सिर्फ लोगों अभी को ये दिखाने के लिए कि ये झूठा नहीं है, ये रियल वीडियो है, इसीलिए। मैम ये है मेरा डिवाइस। ठीक है चंचल, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप ठीक हो रहे हैं, इतने डेडिकेशन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए जो फॉलो करता है वही ठीक होता है मैम। और जी दूसरा मैम चंचल, बिल्कुल। क्या मैं ये फीडबैक आपका यूट्यूब पे डाल सकती हूँ लोगों की अवेयरनेस के यस लिए? मैम, जी मैम। आपका कंसेंट और लेना मैम जरूरी अगर है। डालेंगी तो मैं तो सबसे ये कहूंगी कि बिल्कुल अगर किसी को दिक्कत है तो वो जरूर आए, यहाँ पे आए। बाकी जगह दिखा रहे हैं वो चीज अलग है, पर यहाँ एक बार आके तो उसे देखना मैम जरूर चाहिए। डेफिनेटली चंचल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। बचे हुए आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना, छोड़ना नहीं है, जी मैम, ठीक है चंचल? जिस दिन पूरा एकदम सही हो जाऊंगी तो बिल्कुल आपके मतलब एक बार आपसे जरूर मिलने आएंगे, आप क्योंकि जरूर आइए। नया, मुझे तो लगता है नया जीवन मिला है मैम। अरे मैम, आप लोग आएंगे इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए, और आप पूरी तरह ही ठीक होंगी, जरूर ठीक होंगी। जी जी मैम, एक दिन आप जी खुद मैम, बोलेंगे कि अब मेरा फीडबैक लीजिए, लेकिन अब हम आपको कहेंगे कभी दिल्ली आएंगे या मुंबई, दिल्ली चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ में नहीं है, बैंगलोर में, कभी भी कहीं जाएंगे वहाँ विजिट करके जी फिजिकली जरूर मिलिएगा। मैं दिल्ली में हूँ, जी मैं दिल्ली में हूँ, जी जी मुझसे मैम मिलना है तो यहाँ आना पड़ेगा। मैम बिल्कुल, दिल्ली ही पास है मैम हमारे लिए जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच तो। चंचल, जी ओके बाय चंचल। बाय मैम।